हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स का चीला। आप इसे ओट्स का सॉल्टी पैनकेक भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आप इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी को ट्राई करें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। तो चलिए आज इस ओट्स चीला की रेसिपी को शुरू करते हैं। ओट्स का चीला या पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्लेन वाला ओट लिया है, बिना फ्लेवर का, जो हम दूध में डाल के बनाते हैं वही वाला। तो आधा कप ओट्स के लिए आधा कप पानी यूज़ करेंगे और इसे ऐसे भिगो के हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसे ऐसे ढक के छोड़ दें ताकि ओट्स जो है वो थोड़े से फूल जाए। 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि ओट्स जो हैं वो पानी में फूल चुके हैं, तो इसे एक बार ऐसे मिला दें। नॉर्मली जब भी हम ओट्स का चीला बनाते हैं तो ओट्स को रोस्ट करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है, लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है वो एकदम फटाफट है। तब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। तो हरी मिर्च, धनिया पत्ता, प्याज और टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो आधा कप ओट्स के लिए मैं यहाँ पर 1/3 कप बेसन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बेसन की क्वांटिटी थोड़ा कम यूज़ करें। फिर हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। लास्ट में हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब हम इन सबको मिला देंगे। तो जैसे हम उत्तपम का बैटर बनाते हैं वैसे ही हम इसका बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करेंगे। तो यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम लास्ट में नींबू का रस 1 छोटा चम्मच यहाँ पे ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। मिला दें इसे और ये हमारा पैनकेक का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे पहले से ही मैंने एक लोहे का तवा गर्म होने के लिए रखा है और यहाँ पे तेल या घी रखे, जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो पहले हम ऑयल से ऐसे तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि जो चीला हम बनाएं वो चिपके नहीं। ऐसे स्प्रेड कर दें और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले बैटर डालने से पहले गैस को कम कर दें और उसके बाद बैटर को ऐसे मिक्स करके सेंटर में ऐसे डालें। फिर हम इसे ऐसे सेंटर से स्प्रेड करना शुरू करेंगे। ऊपर की लेयर को स्प्रेड करें क्योंकि नीचे वाला जो है वो ऑलरेडी तवे में चिपक गया होगा तो वो नहीं निकलेगा। तो ऐसे शेप आप अपने हिसाब से इसे दे दें। जहाँ भी आपको खाली लगता है वहाँ पर थोड़ा सा बैटर डाल दें। और हमने गैस का फ्लेम लो रखा है तो ये जो चीला है वो जलेगा नहीं नीचे से। तो जब ये राउंड शेप में आ जाए, ये देखिए, तो बस इसे थोड़ा सा हम स्मूथ कर देंगे ताकि ऊपर की लेयर जो है वो बराबर रहे। और यहाँ पे लोहे का तवा होने का यही फ़ायदा है कि आप उसे खुरेच सकते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और किनारों पे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसे नॉनस्टिक तवे पे बनाएं। बस नॉनस्टिक को थोड़ा सा ब्रश से ग्रीस कर लें और उसके बाद ये पैनकेक आप बना सकते हैं। दूसरे साइड आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो भी वो आराम से बन जाएगा नॉनस्टिक पे। लेकिन अगर आप लोहे का तवा यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए तेल की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस लोहे के तवे पर बनाने का एक फ़ायदा है कि ये जो पैनकेक है वो थोड़ा सा क्रंची बनेगा। तो यहाँ पे इसे पलट दिया और हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए हम इसे तब तक सेक लेंगे जब तक कि बेसन और ये जो ओट्स है वो अच्छे से पक नहीं जाए दोनों साइड से। वापस पलटे इसे। इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, हड़बड़ी में इसे ना निकालें। तो जैसे ही ये दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन देखने लगेगा हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पका हुआ दिख रहा है, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये हमारा ओट्स का चीला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल प्लस एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरा चीला भी बना लेंगे। तो तवे को ग्रीस किया हमने, बैटर को मिलाया और उसके बाद ऐसे सेंटर में डाल के और स्प्रेड कर दे। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसे ऐसे सेंटर में डाल के बैटर को, और फिर क्या करेंगे कि एक स्पून ले और स्पून से ऐसे उसके किनारों से, ये देखिए जो एजेज है, उससे आप ऊपर का जो बैटर है उसे स्प्रेड करें। उससे क्या होगा, ये शेप में आएगा, प्लस नीचे का जो मिक्सचर है वो ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर ये चिल्ला जो है वो सेट हो गया है। गैस का फ्लेम लो किया था मैंने, तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे पकने देंगे। अगर ये शेप में नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना ही तो है, बस किसी को दिखाना रहे तब आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो, अदरवाइज़ फटाफट जिस शेप में बने वैसे ही बना के खा लें। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा पलट देंगे और सेम प्रोसेस से हम इसे सेक लेंगे। अगर आपका चीला शेप में नहीं बने तो आप इसे प्रेजेंट करते वक्त नाइफ से कट कर दें, उससे शेप का पता नहीं चलेगा। और अगर आप लंच बॉक्स में ले जा रहे हैं तो आप इसके छोटे पीसेस करके ले जाएं ताकि किसी को समझ में नहीं आए किसका शेप कैसा था। तो बस यही टिप्स थे आज के। तो यहाँ पे ये चीला रेडी हो चुका है, गैस को बंद कर देती हूँ मैं और इसे भी सेम प्लेट में निकाल लेती हूँ।
तो ये हमारा ओट्स का बहुत ही हेल्दी चीला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं दिखने में एकदम सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसे ऐसे टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करूंगी। आप चाहे तो इसे सेजवान चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर रायते के साथ। तो आप इस हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और मेरी बेटी तो अभी बैठी है इसे खाने के लिए, तो मैं लेके जाती हूँ अनाया के पास।